दुआएं आपकी भैया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त यहाँ पर श्री जीना कॉलोनी की टीम मौजूद है और सबसे कम उम्र सोशल वर्कर यहाँ मौजूद है पाकिस्तान के, और उसके अलावा मनोड़ा से हमारे भाई आए हैं, और रुमान रईस साहब फखरे पाकिस्तान, इस वक्त फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। रुमान भाई, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, इतना तैयार हो के, और किस जहाज पे, किस मिशन पे निकल रहे हैं? रुमान भाई, पब्लिक को तो बताया ना, क्या सीन है, कहाँ जा रहे हैं? बस अभी इनसे भी मेरी बात हुई है, मनोड़ा साइड की तरफ हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएंगे, राशन देंगे। इन्होंने भी बताया कि काफ़ी सारी ज़रूरतमंद वहाँ पर लोग हैं, और हम आज अभी यहाँ से डिस्कशन करने के बाद निकल रहे हैं सब्ज़ी मंडी, और हम आज वहाँ से ट्रक लोड करेंगे और इंशाल्लाह आज वो रात तक यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छी बात है, देखें ये वो नीड है लोगों की, कि ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ उनको 24 घंटे दाल चना और दाल माछ खिलाएंगे, उनके लिए बहुत उनको आप गोश्त नहीं दे सकते। मैं नहीं कह रहा, अभी मैं बोलूँगा गोश्त दे दो तो मेरे खिलाफ तो एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी, जो लोग बेचारे घरों में, जो बेचारे नहीं, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं फिल्में देख रहे हैं, वो देख के फारिग होंगे, तो वो हमारे खिलाफ फिर मैसेज लिखेंगे, गरीब को गोश्त खिला रहे हो, उसकी तो आदत ख़राब करोगे। तो भाई सीधी सीधी बात है, सब्ज़ी तो खिला सकते हैं ना, इतना तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा आइडिया आपका। उनके घरों में सब्जियां जानी चाहिए मुख्तलिफ किस्म की, और मैं समझता हूँ कॉस्ट कमी पड़ जाएगी, है ना? हाँ, लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, तादाद जो अभी हम अगर राशन बना रहे हैं, और वो अगर हम 50 घरों पर कर रहे हैं, तो हम उतने पैसों में या उतने फंड में हम 100 घरों को सब्जी दे सकते हैं। आटा हमें क्या फायदा हुआ कि 100 लोग, 100 फैमिलियां खाना खाएंगे, मतलब ये सब्जी जगह ले लेगी दाल की, दाल गुड है, बहुत शुक्रिया, अच्छा आइडिया लगे। तो अच्छा मैं आपको बता दूं, जो वहाँ पे खरीदारी हो रही होगी उसकी वीडियोस भी आ रही होंगी, जो पैकिंग होगी वो सब देखेंगे, सब दिखाएंगे। तो फंड करने में गुरेज ना करें, प्लीज 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 हम लोगों की मदद करें। थैंक यू।